हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट का पॉपुलर शो बेपनाह अपने लास्ट वीक में है, जिसके बाद इस शो को ऑफ एयर कर दिया जाएगा। इसी बीच में हर्षद चोपड़ा ने अपनी फ्रेंड यानी कि जेनिफर विंगेट के लिए लिखा है बेहद ही खूबसूरत मैसेज, जिसे पढ़ने के बाद ये साफ जाहिर होता है कि उनके दिल में अपनी जोया यानी कि जेनिफर को लेकर कितने रिस्पेक्ट है। कलर्स टीवी का पॉपुलर लव सागा सीरियल बेपनाह जल्द ही ऑफ एयर जाएगा, जिसका लास्ट वीक का रैप भी हो चुका है। हम आपको बता दें कि इससे पहले ही जेनिफर विंगेट ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपने फैंस, अपने को स्टार्स और शो के मेकर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल मैसेज लिखा, साथ ही साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो भी शेयर किया था। इसी बीच में हर्षद ने भी जेनिफर को थैंक यू कहने का मौका ढूंढ लिया है। हर्षद ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज और वीडियो शेयर किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनके और जेनिफर के बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितना ज्यादा फ्रेंडली है। हम आपको बता दें कि हर्षद और जेनिफर बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जब से इन्होंने एक साथ शूट करना शुरू किया है, इनकी दोस्ती दिन ब दिन और भी ज्यादा गहरी हो गई है। जब भी ये दोनों एक साथ होते हैं, बहुत ही मस्ती भरा माहौल हो जाता है। इनके बीच में शो के अलावा भी काफी सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं और साथ ही साथ शो की वजह से इन्हें एक दूसरे के साथ हैंगआउट करने के बहाने भी मिलते रहते हैं। बेपनाह जल्दी ऑफ एयर होगा फ्राइडे 30 को, यानी कि शुक्रवार बेपनाह का लास्ट एपिसोड आएगा, जहां पर इसके फैंस काफी ज्यादा उदास हैं बेपनाह को लेकर। तो वही हर्षद और जेनिफर को आगे भी एक साथ देखने की उम्मीद फैंस में बरकरार है। हम आपको बता दें कि जेनिफर के आवाज हर्षद ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वो लिखते हैं, Took my kick-ass co-star Bepannaah has been a special journey for lots of reasons. One of them is you. Thank you. Well, इस मैसेज से ये तो क्लियर हो गया है कि जेनिफर कितनी ज़्यादा स्पेशल है हर्षद के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि अब जहाँ पर बेपनाह के सारे सेलिब्रिटीज, सारे स्टार्स वीडियोज और फोटो शेयर कर रहे हैं, उसकी इमोशंस भी सबके सामने बाहर आ रहे हैं। फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश है शो के मेकर से, लेकिन अपने 150 एपिसोड पूरे करने के बाद शो ने अपनी एक बहुत ही अनोखी छाप छोड़ दी है उनके दर्शकों पर, जिसके बाद फैंस को ये शो ज़रूर याद रहेगा। वेल, आपका क्या कहना है स्टोरी के बारे में, कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि आप बेपनाह को कितना ज्यादा मिस करने वाले हैं। और ऐसे ही टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।